Student of class 4, hope you all are fine. Today we are going to learn devices. हम आज क्या पढ़ेंगे? Devices के बारे में पढ़ेंगे कि computer के अंदर कौन कौन से devices होते हैं. ठीक है, कौन कौन से devices होते हैं? Input devices and output devices. Input devices and output devices. अब input devices कौन से होते हैं? That help us enter data and program into the computer are called input devices. कौन से डिवाइसेस जो हमारे डेटा इंटर करने में हेल्प करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस होते हैं. अब वो कौन कौन से डिवाइस होते हैं? कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है. कीबोर्ड में हम क्या करते हैं? टाइपिंग करते हैं. तो ये क्या हुआ? हमारा इनपुट डिवाइस हुआ. ठीक है, उसके बाद है माउस. माउस अब देखें, आप देखेंगे माउस क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है. क्यों इनपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस हम इसे क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि हम माउस के थ्रू जो भी कमांड देते हैं वो क्या करते हैं? कहाँ पे कमांड होती है? मॉनिटर के अंदर हमारी कमांड परफॉर्म होती है. तो क्या हुआ? ये हमारा इनपुट डिवाइस हुआ. ठीक है, ये हमारा ब्लूटूथ माउस है. उसके बाद है स्कैनर. स्कैनर क्या होता है? कि हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ओरिजिनल, अगर फॉर्मेट में हमें सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो हम क्या यूज़ करते हैं? स्कैनर. और स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है. क्यों? स्कैनर के अंदर आप अगर कोई भी पेपर या कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए रख रहे हैं तो वो आपके कहाँ पर शो होगा? आपके पीसी के अंदर शो हो रहा है. तो मॉनिटर आपका क्या हुआ? आउटपुट हुआ, जो आपको डिस्प्ले कर रहा है. और स्कैनर क्या हुआ? हमारा इनपुट हुआ. ठीक है, ये है लेज़र पेन. ठीक है, ये अक्सर हमारे मोबाइल्स में होती है. तो ये हम क्या किस लिए यूज़ करते हैं? लेज़र पेन हमारी स्क्रीन को टच कर, जैसे कि हमारे फिंगर्स होते हैं ये हमारे स्क्रीन को टच करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसी तरीके से ये लेज़र पेन भी स्क्रीन को यूज़ कर टच करने के लिए यूज़ की जाती है. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस. अब आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? दोज डिवाइसेस दैट हेल्प डिस्प्ले प्रोसेस डेटा. जो प्रोसेस डेटा डिस्प्ले करे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम कीबोर्ड, माउस या लेज़र पेन के थ्रू कोई भी कमांड परफॉर्म कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, तो वो कहाँ पर डिस्प्ले हो रही है? मॉनिटर में. तो मॉनिटर क्या हुआ? हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ. अब देखें हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, जैसे है प्रिंटर. अब प्रिंटर अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं कमांड कहाँ से दूँगी? कीबोर्ड के थ्रू दूँगी या माउस के थ्रू दूँगी? तो मैंने क्या किया? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू मैंने कमांड दी. फिर उसके बाद क्या हुआ? जो मुझे पेपर प्रिंट होकर बाहर मिल रहा है, ये मैंने क्या, ये मेरा आउटपुट है. तो प्रिंटर हमारा क्या है? आउटपुट है, क्योंकि ये हमें क्या है? बाहर की तरफ डेटा देता है. उसके बाद स्पीकर. ठीक है, स्पीकर क्या है? हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं. अब देखें, आपने आप माइक यूज़ कर रहे हैं, तो माइक के अंदर आपकी आवाज़ जा रही है वो क्या? इनपुट डिवाइस. और आपकी आवाज़ बाहर कहाँ से आ रही है? स्पीकर से. तो ये आपकी क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है. ठीक है, आप कोई भी सॉन्ग प्ले कर रहे हैं अपने पीसी में, तो उसमें जो आवाज़ आ रही है वो कहाँ से आ रही है? स्पीकर से आ रही है. मींस आउटपुट डिवाइस बाहर आ रही है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है. नाउ योर टर्न. आपको क्या करना है? कंप्लीट बुक पेज नंबर 8. ठीक है, बुक पेज नंबर 8 आपको कंप्लीट करना है. उसमें क्या करना है? लेबल द पिक्चर्स व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस दे आर. ठीक है, बुक पेज नंबर 8 पर आपको पिक्चर्स दी गई हैं इस तरीके से, जैसे कि स्पीकर है, प्रिंटर है, ठीक, लेज़र पेन है. तो ये क्या है? ये आपको इस तरीके से पिक्चर्स दी गई हैं. अब आपको क्या करना है? इन पिक्चर्स पर लिखना है कि अगर आपका प्रिंटर है तो प्रिंटर क्या है. प्रिंटर इसका नाम लिखना है, ये प्रिंटर है या ये स्पीकर है. फिर ये डिवाइस कौन सा है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है. ठीक है, अगर कीबोर्ड है तो आप लिखेंगे कीबोर्ड. फिर वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस, वो आपको क्या करना है? नेम लिखना है. ठीक है, बुक पेज नंबर 8 कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है. ठीक है बेटा.